आ जाओ, आपके लिए खाना लाया हूँ, आ जाओ। इसकी फीड बना लेते हैं यार। चलो जी ये खाओ। पता नहीं अभी ये खाती है कि नहीं खाती, शायद इसकी तबीयत सही ना, तभी इस वजह से इसका दिल नहीं कर रहा होगा खाने को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार अभी अभी सिप्तैन आया था, स्नो को पानी भी रखा उसने और फीड भी स्नो को रख दी, लेकिन सिप्तैन कह रहा था कि सिर्फ इसने पानी पिया है, फीड नहीं खा रही थी। और मेरे ख्याल में अभी तक भी इसने फीड नहीं खाई। तो बस यार दुआ करें कि हमारी स्नो बिल्कुल ठीक हो जाए। इसकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही, बल्कि आज मुझे कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। दवाई फिर भी दे दो यार। दवाई शाम को देनी है ना इसको? नहीं, वो सुबह वाले शाम वाले भी देनी है ना अभी। हाँ, तो ये दवाई दे दो तुम इसको। अच्छा, ये खाना खाए ना खाए। चलें दोस्तों हम स्नो को दवाई दे देते हैं। ये आवाज नहीं देखो यार इसकी। चलो जी, तो दोस्तों हमने स्नो को दवाई पिला दी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी स्नो ठीक हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको दवाई लग गई थी इधर, तो सिप्तैन साफ कर रहा है ताकि फिर ये मक्खियां वगैरह इसके ऊपर ना बैठें। यार इस फाउंटेन का पानी फिर से इतना मैला हो चुका है कि हमें फिशेस भी नजर नहीं आ रही। सिर्फ तीन दिन के बाद। हाँ, खोल दो, ये वेस्ट करना है पानी सारा का सारा। 3 दिन के बाद यार फिर से वही ग्रीन पानी हो गया यार, समझ नहीं आती इतना जल्दी खराब क्यों हो जाता है। तो आज मैंने और सिप्तैन ने ये फैसला किया है कि आज पानी को साफ करने वाला केमिकल भी हम लेकर आएंगे। और आज हम क्या करेंगे दोस्तों, आज हम इस फाउंटेन में और मशीन लेकर आने वाले हैं, जो कि हमने कल या परसों देखी थी। मंडी गए थे ना हम उस साइड पर, बहुत ज्यादा मछलियां थी एक भाई के पास, तो हम वहां पर जाएंगे और लेकर आएंगे फिशेज जो हमारे फिर फाउंटेन में रहेंगी। ये सारा पानी हम निकाल रहे हैं और ड्रेन खुल गया है, सारा पानी खत्म होगा, फिर हम न्यू पानी भर के जाएंगे मार्केट। तो चलो यार सिप्तैन करते हैं ये काम साहब। तो दोस्तों फाउंटेन का सारा पानी निकल चुका है, तकरीबन इतना हमने बचा दिया है, क्योंकि मछली नहीं तो मर जाएंगी अगर सारा का सारा पानी हम निकाल देंगे। और ड्रेन कर दो बंद। हाँ सिप्तैन बंद कर दो। और मार्केट जाने से पहले दोस्तों हम ये वाले नल खोल कर जाएंगे, जब हम वापस आएंगे तो फाउंटेन यहाँ तक फुल हुआ होगा और हम आराम से फिर अपनी मछलियाँ छोड़ देंगे। और मार्केट जाने से पहले आपको गुड न्यूज दे दूं दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारे जो चिक्स थे ना दोस्तों गोल्डन, ये वाले गोल्डन चिक्स हमारे, अब ये वाले चिक्स दोस्तों बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, कोई भी चिक अब बीमार नहीं लग रहा, सारे के सारे एक्टिव हैं। वो जो बैठा हुआ वो भी एक्टिव है, सिर्फ बैठा हुआ है आराम कर रहा है, बाकी सारे ठीक हैं। तो चलें दोस्तों हम जा रहे हैं अब मार्केट, क्या लेने, बहुत ज्यादा मछलियां लेने। मैं और सिप्तैन चलते हैं मार्केट और मार्केट में आपसे मिलते हैं। आ जाओ भाई, चलो। ओह नल खोलना यार, हम भूल गए थे। नल खोलो सिप्तैन, नल खोलो, नल खोलो। ओए थोड़ा कम प्रेशर में खोलते हैं, ये ना हम वापस जो आए पता चले ओवरफ्लो हो रहा है। चलो फिर कम कर दो, बस काफी है यार। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमें वहां पर कछुए मिल जाते हैं तो हम कछुए भी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी पसंद है कछुए और मुझे कमेंट में काफी, हाँ कमेंट में काफी भाई कहते हैं कि कछुए लेकर आने भाई आपने, तो ढूंढेंगे अगर कछुए मिल गए तो कछुए भी लेकर आ जाएंगे। चले दोस्तों हम जा रहे हैं अब मार्केट। ओके क्या है ये, क्या बड़ी मछलियां भाई, अरे 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 बहुत बड़ी है ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देखो सिप्तैन, ये कौन सी भाई है, सब पैक कर दो सस्ती है भाई, कह रहे यार बहुत सस्ती है, मतलब कि 150 में दे देंगे, है ना? क्या बात है भाई, मोहब्बत है भाई। तो यार अभी हम साइज चेक कर रहे हैं इनका ना, किसी शॉपर में डाल के, ऐसे पता नहीं चल रहा कि क्या साइज है। अभी भाई दिखाएंगे इस पे शॉपर में डाल के। हाँ सही है, ये साइज देखो यार, यार ये शॉपर में तो इसके डबल हो जाते हैं यार, ये तो शॉपर में इसका साइज बिल्कुल डबल हो गया, ऐसा ही है। बॉल में डाला है भाई ने, इसमें देखते हैं, मैं दो काफी है पता चल जाएगा। हाँ ये देखें यार, अब बॉल में डाल के चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी मैला है, साफ इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भी प्यारी लग रही है। फाउंटेन में मछली छोटी लगती है, बाकी अच्छा डाल लो बड़ी लग रही है। हमारा फाउंटेन वो बड़ा है ना, ये और बड़ी होंगी क्या भाई, कितना साइज हो जाएगा इनका? अच्छा 1 से 1.5 फुट, 2 फुट भाई, सही है फिर तो। तो दोस्तों मैं अब मछलियों को पकड़ रहा हूँ, जो मुझे अच्छी लगेगी ना मैं वो वाली उठा लूंगा, और मेरी कोशिश ये है कि बड़ी मछली हम उठा लें। बड़ी मछली पकड़नी है तो यार मैं ये वाली पकड़ रहा हूँ, ये सबसे बड़ी लग रही है मुझे, हाथ से पकड़ लो तो। अच्छा हाय हाय हाय, निकालो निकालो, सारी निकाल लो भाई, सारी नहीं सॉरी जितनी लेनी उतनी। एक ये वाली, हाँ ये भी बड़ी है सिप्तैन। हाँ देखते जाओ अपनी मर्जी से, दो ये वाली ले, चलो ले लो।
तो पूरी हो चुकी है, अब हम छोटी मछलियाँ ले लेते हैं, वो फिर घर जाके आपको दिखाएंगे, अभी हम ले लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक एक करके चेक कर रहे हैं कि मैं कौन सी फिश लूँ, क्योंकि यार बार बार नहीं आया जाता। तो आप कह रहे हैं छोटी मछलियाँ भी हर किस्म की ले ली जाए तो अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी मछलियाँ लेते हैं हम, सारी दिल तो करता है सारी ले लें यार, इतनी प्यारी प्यारी हैं, लेकिन अब जितना चाहिए भी ज़्यादा देगी ना उतना ले लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे, जो रह जाएगी कसर वो भी पूरी कर लेंगे। तो आपके पास केमिकल होगा जो वाइट पानी को वाइट कर देता है, वो भी दे देंगे। कुछ नहीं है। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं छत पर और मेरे पास बहुत ज्यादा मछली हैं। तो इसमें हाँ इसमें कछुआ है, इसमें कछुआ नहीं है चाचू, इसमें बहुत मछली है। तो सबसे पहले सिद्धा यार इनको पानी नहीं, नहीं डालते हैं। ये तो मुझे लग रहा है फजूल चीज ले आए हम। क्यों यार, उस टाइम तो कह रहे थे ठीक है ले लो। नहीं वो पागल बना रहा था हमें, पानी नीला करता है सिर्फ, ये नहीं कि नीचे जो काई होती है उसको सही नहीं करता ये। इतनी बड़ी। तो यार हम दोनों पैकेट्स को ना बाहर निकाल लेते हैं मछलियों के, देख लो भाई जिंदा है, मर तो नहीं गई। इतने शॉपर देखो अंदर देखो, छोड़ तो नहीं गया इनको, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, देखो ये यार मछली माशाल्लाह। और इसमें ये वाली जो मछली है ना, ये वाली शयान, शयान को बहुत पसंद आती है यार, शार्क कहते थे ना शयान, शार्क फिश भी लेकर आ गए हैं हम चाचू। ये देखो इसमें से कौन सी शार्क है, खोल के दिखाएंगे इसको। हाँ चलो चलो अंदर जाओ अंदर जाओ। तो छोटी मछलियों का दोस्तों शॉपर खुल चुका है और इसमें हमारी बहुत ज्यादा मछली है और शयान देखकर बहुत खुश होगा कौन सी फिश को। ये छोटी शार्क है, ओए नीचे गिरा दो, गई गई। चलो जी और निकालो और निकालो, और भी शार्क है चाचू, बताना चाचू कौन सी आ रही है ये फिश। शार्क वाली आ रही है, ये वाइट, ये जा रही है। इतनी सारी मछली, ओए कोई है अंदर, क्या है, छोटी फिश थी एक। नहीं नहीं आ गई, नहीं है सारी आ गई। चलो जी, नहीं नहीं नहीं। तो छोटी मछलियां दोस्तों हमने सारी की सारी फाउंटेन में छोड़ दी हैं और अब बारी है बड़ी मछलियों की। और बड़ी मछली दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और मुझे काफी भाई कह रहे थे कि भाई आपने फाउंटेन में छोटी मछलियां रख ली हैं, बड़ी मछली लेकर आए हैं। तो बड़ी मछली भी आ चुकी है दोस्तों और अब बड़ी मछलियों की बारी, और अब इसको हम खोल लेते हैं। ओ वाह, ये देखो शयान। चले दोस्तों ये हम पहली मछली पकड़ते हैं और इसका साइज काफी बड़ा है, ये देखें। ये मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों, ये गई, नहीं मुझे दिखा दो, ये गई, एक दे दो, एक दे दो, एक दे दो। चलो एक शयान को दे देते हैं। चलो ये अरे इस तरह से, ये देखें जी। पानी इतना साफ क्यों नहीं हो रहा आज यार, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मैं ये डाल के देखता हूँ यार इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। चले यार इसको मैं डालता हूँ अंदर, ये देखें, अबे देखेंगे हो रहा है, नीला पानी हो रहा है, नीला हो रहा है, क्लियर होना चाहिए ना। कोई फर्क नहीं है भाई, उसने पागल बनाया हमें। चलो जी जाओ। तो अब दोस्तों ये लास्ट फिश है और बाकी मैंने सारी की सारी छोड़ दी है फाउंटेन में और अब इसकी बारी, और ये मैं अब छोड़ूंगा। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मछली है यार ये, और उस भाई ने बोला था एक महीने के बाद ये मजीद बड़ी हो जाएंगी, तकरीबन एक एक फुट से भी ऊपर की हो जाएंगी। फिर भी ज्यादा डालनी पड़ेगी सिपैन, मछलियाँ बड़ी बड़ी आ गई हैं। ओए ज्यादा ही, सही है सही है सही है। हाँ चलो यार इधर डाल लो, क्या पता मेरे हाथ पर आए, छोड़ दो। हाँ अभी देखते हैं यार, तो ये देखें दोस्तों हमारे खरगोश दाना जो ही देखते हैं ना ये फौरन आने लग जाते हैं पास के, हमें दाना डालो, तो इनको हम ये वाला दाना डाल देते हैं और ये बहुत शौक से खाते हैं दाना। तो ये हम, तो चलो जी खा लो, ये लो ये लो ये लो ये लो यार, ये चूजों से भी मुर्गियों से भी बहुत तेज खाते हैं ईगल को। यार मैं सोच रहा हूँ कि हम करते हैं आजाद, क्योंकि यार ये कुछ भी नहीं खा रहा, हमने चिकन भी डाली, इसको गोश्त भी डाला,
लेकिन ये शौक से कुछ नहीं खा रहा, बल्कि खा ही नहीं रहा, तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको आजाद कर दें। अभी तो नहीं, कल इंशाल्लाह कर देंगे आजाद। चले यार, इसका आज ये लास्ट डे है, बस रात ही है, शाम होने वाली है, तो कल इसको हम आजाद कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल शहर में रियाज को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।